Hello friends, welcome back to my channel. Today I'll show you how to make a painting with the help of oil pastels. So let's get started. क्योंकि मेरे पास अभी मास्किंग टेप नहीं है तो मैं उसकी जगह सेलो टेप को यूज़ में ले रही हूँ. आप भी ले सकते हो बट क्योंकि सेलो टेप की स्टिकनेस ज़्यादा होती है, इसको कम करने के लिए आप 4-5 टाइम्स इसे किसी भी सरफेस पे स्टिक कीजिए एंड देन रिमूव कीजिए. स्टिक एंड देन रिमूव, एटलीस्ट डू दिस 4-5 टाइम्स. उसके बाद आपका जो भी पेपर है, मैं A4 साइज पेपर ले रही हूँ, उसके चारों साइड बाउंड्रीज पर आप इसको लगा सकते हो. इससे आप स्टेबल रहेगा आपका पेपर और साइड में बाउंड्री भी आ जाएगी. तो मैंने स्टिक कर दिया है, जैसे मैंने किया है आप भी वैसे ही कीजिएगा. अब मैं इस ड्रॉ कर रही हूँ, एक रफ स्केच बना रही हूँ. इसके लिए मैंने A4 साइज पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ये पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ की है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. बॉटम पोर्शन में आई एम ड्रॉइंग इट्स रफ स्केच. तो जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही ड्रॉ कीजिएगा. Now my rough sketch is almost completed. अब मैं शेडिंग दूंगी. शेडिंग के लिए शेडिंग के लिए मैं ऑयल कैमल ऑयल पेस्टल्स कलर यूज़ कर रही हूँ. आपके पास जो भी ऑयल पेस्टल्स हैं आप वो यूज़ में ले सकते हैं. सो सबसे पहले मैं ब्लू का डार्क शेड ले रही हूँ, अल्ट्रा मरीन ब्लू. अपर पोर्शन को इससे शेड देना है. Now use a little lighter shade, cerulean blue hue I'm using. Make sure बीच में जो आपने मून बनाया है उसमें कलरिंग ना हो. Now I am using light blue. नीचे थोड़ा मैंने वाइट को भी किया है क्योंकि ये जब लाइट ब्लू वाइट में मिक्स होगा तो वो लाइट शेड दे देगा. अभी अपर पार्ट कंप्लीट हो गया. नीचे के लिए सबसे पहले मैं वाइट शेड दे रही हूँ थोड़ा, उसके ऊपर से लाइट ब्लू. नीचे के सारे पोर्शन में पहले लाइट ब्लू फिल कर देना है जैसे मैंने किया है. उसके ऊपर से थोड़ा डार्क ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू का शेड दे दीजिए. नाउ विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. आप कॉटन का भी यूज में ले सकते हैं बट जो फिनिशिंग टिश्यू पेपर से आती है वो कॉटन से नहीं आ पाती है, तो प्रेफर टिश्यू पेपर कीजिएगा. अगर नहीं हो तो फिर आप कॉटन पर जा सकते हैं. नाउ मेरी ब्लेंडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है. अब मैं विद द हेल्प ऑफ टूल, इस किट के साथ जो टूल आया है मैं उसको यूज़ में ले रही हूँ. आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि अगर बाउंड्रीज पे थोड़ा कलर तो हो ही जाता है उसको निकालने के लिए. अब मैं वाइट कलर फिल कर रही हूँ मून में. Now I am using graphite pencil. This is 10B. आप इसकी जगह 6B या 8B भी यूज़ में ले सकते हो. मैं लोअर पोर्शन में अपर साइड थोड़ा वाइट का शेड दे रही हूँ. Now
जो पहले हम लोगों ने स्केच ड्रॉ किया था रफ स्केच, वही ऊपर से फिर से ड्रॉ करना है। शेडो के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ में ले रही हूँ। लाइट लाइट शेड देना है ब्लैक से बस। लाइट शेड देने के बाद इसको टिश्यू से ब्लेंड कर लीजिए। जैसा इस साइड किया है वही सेम यहाँ पर रिपीट करना है। अभी मून की शेडो क्रिएट करना है तो मैं टूल की हेल्प से थोड़ा स्क्रैच कर रही हूँ। आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्क्रैच कर लीजिए। अभी उसके ऊपर से वाइट ऑयल पेस्टल की हेल्प से लाइट लाइट शेड देना है वाइट का। मेक स्टार्स विद द हेल्प ऑफ वाइट ऑयल पेस्टल। अभी जो हम लोगों ने सेलो टेप से बाउंड्री लगाई थी उसको निकाल रही हूँ मैं। तो रिमूव करने के बाद देखिए साइड साइड में आउटर बाउंड्री आ जाएगी वाइट कलर की। अभी मैं ट्रीज की शेडो बना रही हूँ और ये आप ब्लैक कलर के ऑयल पेस्टल से ही बनाएगा, बट बहुत लाइट चलाना है क्योंकि ये सिर्फ शेडो है। So guys, if you like my video, then please like, comment and subscribe my channel.
थैंक यू।